हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ नाइन किंग एंड अनदर द व्लॉग। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, और आपको वहां का पूरा व्यू, पूरा लोकेशन, वहां जाने का क्या रास्ता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। और आपको जो है वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैं बताऊँगा क्या खर्चा आएगा और वहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें, और उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है मैं मेरे घर के पास में हूँ और यहाँ से अभी निकल रहा हूँ मैं संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए। बोरीवली में है, और आप लोगों को रास्ते का थोड़ा सा जो है रूट्स, और उसके बाद वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का पूरा व्यू, पूरा लोकेशन, पूरी हिस्ट्री। में आपको थोड़ी सी जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी आने के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलते हैं हम और जो है आपसे मिलते हैं रास्ते और या फिर संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के सामने। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम जो है वो फाउंटेन होटल के पास में हैं, और यहाँ से आपको जाने के लिए एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, आप अगर नायगांव, काशी मीरा, भेंदर के आसपास रहते हैं, वसई, विरार, तो यहाँ से आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगी जो आपको 50-60-70 रुपए में आपको पहुँचा देगी संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के सामने बिल्कुल। ठीक है, आप उसके बाद वहाँ से टिकट लेके अंदर एंट्री कर सकते हैं और घूम सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से हूँ और लगभग यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर मेट्रो से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। फ़िलहाल आप दहिसर से मेट्रो पकड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको मेट्रो स्टेशन से जो है ट्रेन लेनी होगी, और आप जो है राष्ट्रीय उद्यान मेट्रो स्टेशन है वहाँ उतर जाएंगे, और वहाँ उतरने के बाद आपको जस्ट 5 मिनट भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क का गेट जो है वो आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आने के लिए आसानी हो जाए। दोस्तों, हम आ गए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, और अभी उसके गेट के सामने है, और आप लोगों को अभी अंदर ले जाके हम दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिलता है, और इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे जितना हमें पता है। तो फिलहाल जो है हम अभी संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के बिल्कुल सामने हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये गेट है, और यहाँ आपको आने के लिए जो है मेट्रो स्टेशन से आप आ सकते हैं, समझ लीजिए अंधेरी ईस्ट से भी अगर आप मेट्रो पकड़ते हैं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ आकर के उतर जाएं, और वहाँ से 10 कदम की दूरी है आप यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद जो है आपको इस साइड में आप देखेंगे तो इधर जो है इस साइड में आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, और पार्किंग का घंटे के हिसाब से चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम चल रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। अब वहाँ पे क्या टिकट है, क्या नहीं है, उसका क्या प्राइस लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको जो है अभी इस वीडियो में बताएंगे। और अंदर साइकिल भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है वो बिल्कुल गेट के सामने हैं, और ये आप देखेंगे गेट, मेन गेट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का, तो आप यहाँ जो है बहुत आसानी से आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको साइकिल भी मिलती है रेंट पे, और उससे जो है आप अंदर पूरा घूम सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। उसका नाम जो है पहले बोरीवली नेशनल पार्क था, अभी जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका जो है वो नाम रख दिया गया है, और 104 एकड़ में यह फैला हुआ है पूरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो है ना इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग लाइन लगा करके टिकट ले रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो वो लेने के बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, फाइनली जो है हमने टिकट वहाँ से परचेस कर लिया था, और अभी जो है हम उससे थोड़ा सा आगे, गेट के थोड़ा सा आगे आ करके वहाँ पर आपको दिखाना होगा टिकट, उसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद आगे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ में।
तो दोस्तों जैसे ही आप इसके जो है ना थोड़ा सा आगे आएंगे, आपको यहाँ से बस मिल जाएगी 188 जो आपको लेके जाएगी कावेरी कैब्स। ठीक है, आप यहाँ से बस पकड़ के जा सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। तो आप 20 रुपीज़ खर्चा करके जा सकते हैं कावेरी कैब्स, वहाँ पे घूम सकते हैं और 20 रुपीज़ वापस खर्चा करके आप आ सकते हैं। तो यहाँ से और फटाफट बस मिलती है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर जगह पर एक छोटा छोटा जो है वो बैनर लगा हुआ है जिसमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो आप जिस जोन में हैं उस जोन के बारे में आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर गाइड किया जाता है कि कहाँ पे क्या है और किस समय कहाँ पे जाना चाहिए, किस समय तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है ना प्रॉपर इसमें जो है लिखी हुई होती है। अभी फ़िलहाल जो आप देखेंगे तो जैसे ये जोन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें हैं तो तरह तरह के जो है ना आपको अलग अलग जोन मिल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हूँ, जस्ट आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि क्या कैसा है, तो आप देखो अच्छे से। दूसरी चीज़ अभी मैं आपको आगे लेके चलूँगा, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं कावेरी कैब्स तो आपको लगभग 6 से 6 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करने आते हो या फिर किसी और पर्पज़ से आते हो, वीडियो शूट करने के पर्पज़ से आते हो, तो आपको पैदल चलना काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप बस करके जाओगे तो जस्ट पहुँच जाओगे और फिर आपको वो चीज़ें नहीं देखने की मिलेंगी जो आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, अब आगे हम चल रहे हैं और आपको दिखाएँगे कि आप किस रूट से कावेरी कैब्स पैदल जा सकते हैं। उससे पहले कावेरी कैब्स के थोड़ा सा गार्डन पड़ जाता है, ये गार्डन जो है बहुत अच्छा है और आप अगर अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, घूमने के लिए, खेलने के लिए टाइम स्पेंड बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेट एक रूट मिल जाएगा और एक लेफ़्ट साइड जाने के लिए रूट आपको मिल जाएगा जो आपको लेके जाएगा नौका विहार। जो लेफ़्ट साइड का रूट है वो आपको लेके जाएगा, ये आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट जो चला गया है वो कावेरी कैब चला गया है। और यहाँ से ही आप जो है लेफ़्ट जैसे ही टर्न होंगे तो आपको नौका विहार लेके जाएगा। तो अब फ़िलहाल में मैं जो है लेफ़्ट जा रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे एक्सप्लोर करनी है ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में प्रॉपर पता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कभी मिस ना करें। यहाँ पहुँचने के बाद SGNP जो है आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इसके सामने से बिल्कुल स्ट्रेट जो रूट गई हुई है वो कावेरी कैब चली गई है और जो है लेफ़्ट साइड में जो रूट चली गई है ये नौका विहार गई है। तो अभी फ़िलहाल नौका विहार के साइड हम लोग जा रहे हैं। जैसे ही आप नौका विहार के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड जाने के लिए ऊपर बिल्कुल चढ़ाई है, ऊपर जाएंगे आप तो आपको एक गार्डन देखने को मिलेगा। ये जो है थोड़ा सा आप आगे जैसे आएंगे तो ये जो रास्ता गया हुआ है ये चला गया है, ऊपर गार्डन है, वहाँ पे आप जा करके उस गार्डन का मज़ा ले सकते हैं, सुकून से वहाँ बैठ सकते हैं। और उसके बाद ये रूट जो है वो चली गई है नौका विहार। अभी फ़िलहाल जहाँ पे हम लोग हैं ये नौका विहार है और आप लोग यहाँ आ करके जैसे आपने छोटा कश्मीर में देखा होगा कि बोट चलती है उस तरीके से यहाँ पे देखिए चल रही है। और इसका जो प्राइस है वो जस्ट इसके सामने यहाँ बैनर लगा हुआ है उस पर सारे प्राइस लिखे हुए हैं और आप यहाँ आ करके प्राइस 2 सीट का अलग है, 4 सीट का अलग है, तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे कुछ समय के लिए बाय कर सकते हैं और आप यहाँ पे उसका एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है, ये छोटा कश्मीर के बिल्कुल जैसा ही है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है हर जगह प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखना, ख़ास करके कि आप कहाँ पर हो और क्या चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं वो मिस ना होने पाएँ, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें घूमनी हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आगे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों और यहाँ पे जो है ना एक अलर्ट जारी है, 6 बजे के बाद जो है आप यहाँ घूम नहीं सकते हैं, आप 6 बजे के बाद बंद हो जाता है और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं, सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ये सोच के आइएगा कि किस समय आप आ रहे हैं और किस समय जो है आप जो है जा सकते हैं, तो वो पूरा पूरा टाइम पीरियड लिखा हुआ होता है। अब आपको यहाँ से जो है ना वो पैदल जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट रूट चली गई है वो कावेरी कैब्स के लिए। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड को गई हुई है वो जो है सफारी लायन जो
कराते हैं उधर के लिए चली गई है। मैं आपको इसका बैनर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल कानेरी कैब्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और सफारी टिकट बुकिंग के लिए आपको लेफ़्ट जाने का है, सुगंधित उद्यान के लिए आपको लेफ़्ट जाना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ और आने वाली वीडियो जो हमारी है इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको सफारी जो है लाइन सफारी और कानेरी कैब्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है यहाँ तक तो दूसरी वीडियो आप जा कर के विज़िट कर लें और आप देख लें कि उसके आगे का क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लोर करी है, ठीक है। तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है जो आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा।